यज्ञ यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे भैया मेरी प्रार्थना सुनो, भैंस के घी से यज्ञ नहीं होता है, और वातावरण विषाक्त होगा। किसने कहा यज्ञ करना है? यज्ञ करो तो यज्ञ का यज्ञ सामग्री चाहिए, यज्ञ के लिए साधन करने। कौन सा साधन, कौन सा सामग्री? गाय के घृत से ही यज्ञ होता है, गाय के घृत से। गौ बचेगी तो यज्ञ होगा ना, गावो विश्वस मात्र, गाय होगी तो यज्ञ होगा। गौ घृत के इतर कभी यज्ञ हो ही नहीं सकता, विकृति होगी उसकी, पर्यावरण में विषाक्तता आएगी। गौ पालिए, यज्ञ करिए। राजा ने कहा तेरे प्राण ही नहीं रहेंगे, पर वो गिर पड़ा चाड़ कि मुझे अभय दान दो, प्राण दान दो, जीवन दान दो। और ये बड़ों की उदारता है, यही तो उनकी दुर्बलता है कि दीन पर वो दया करते हैं। उन्होंने कहा मैं आपकी प्रजा में रहूंगा, अदृश्य होकर, अनाम रहकर, अरूप रहकर, मैं दिखूंगा कभी नहीं, कभी नहीं दिखूंगा मैं। परीक्षित से कहा कलयुग ने मैं कभी दिखूंगा नहीं, आप मुझे एक मेरा स्थान नियत कर दो कि तुझे यही रहना है, प्रतिबंधित कर दीजिए मुझे, निर्धारित कर दीजिए, नियंत्रित कर दीजिए मुझे, कंट्रोल कर दो, उसके आगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी सीमाएं बांध दो बस, उन सीमाओं को मैं कभी नहीं लांघूंगा। अगर वो मैंने कभी सीमाएं लांघी तो मेरा अस्तित्व ही खो जाएगा। ये कहकर परीक्षित आश्वासन, ये कहकर कलयुग आश्वासन देता है। ये बात परीक्षित को अच्छी लगी कि अगर ये दुराचारी है, मनोन्मादी है, उन्मादी है, अब उद्धत है, अवनीत है, अथवा ये कपटी है, तो इसको इसके स्थानों पर ही नियत कर दो। तो उन्होंने कहा तू आर्थिक छल में रहना, कपट में ही रहना, जुए में रहना, व्यभिचार में रहना, अनीति के धन में, अनीति के स्वर्ण में रहना। राजा परीक्षित को तो मालूम था हमारे यहां को अनीति है ही नहीं, अन्याय नहीं है, दुराचार नहीं है, पापाचार नहीं है, पाप हमारे यहां है ही नहीं। पाप किसे कहते हैं? जिसे आप छुपाना चाहते हैं, जिसके प्रकाशन से आपको भय लगता है कि ये बात किसी को पता लग गई, इसे छुपाओ, तो जो चीज छिपाई जा रही है उसी को पाप कहते हैं। जिसके प्रकाशन से भय लगे कि प्रकाशित हुआ ये मेरा कर्म कृत्य तो मेरा मान भंग होगा, कीर्ति चली जाएगी, यश नष्ट हो जाएगा, अथवा कुप्रचार होगा, इसे छुपाओ, तो जो चीज छिपना चाहती है उसी को पाप कहते हैं। पुण्य किसे कहते हैं? जो प्रकाशित होना चाहती है चीज, बिखरना चाहती है। अरे सुगंध को कितना छुपाओगे? कई लोगों ने बड़े प्रयास किए कि सुगंध को डिबिया में कैद कर दिया, लेकिन ढक्कन जैसे ही खुला, डांट जैसे ही खुली शीशी की, अरे इत्र बिखर गया, उनका जिक्र जैसे इत्र। कुछ लोगों का तो जिक्र जैसे मानो इत्र की तरह से है, उन कुछ लोगों की तो चर्चाएं ऐसी है कि सुगंधा बिखर गई चारों ओर सत्कर्मों की। इसलिए परीक्षित ने कहा ये इतने स्थान है, द्यूतम पहला स्थान दिया, द्यूतम द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा, इसका अर्थ है छल करके जो धन कमाया जाता है, कपट करके, छल करके, दूसरे को भ्रमित करके। क्योंकि राजा ने आदेश दिया था कि मेरे देश में, मेरी धरती पर, पूरी धरती के स्वामी थे, जुआ कोई नहीं खेलेगा, क्योंकि जुए ने हमारे पूर्वजों को बड़ा व्यथित किया है, दर दर भटकते रहे। धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठर जुआ खेलकर अपने भाइयों को दाव पे लगाकर बैठ गए। मेरी माता मई देखो तो सही, द्रौपदी दासी बन गई, सहरंधरी बन गई, मां ब्रहन्नला बन गए मेरे पितृ पुरुष, गऊएं चरा रहे हैं, किसी के नौकर बन गए, भीम बाबरची बन गया, रसोईया बन गया, बेचारे कैसे दुख देखे उन्होंने। मेरी मां दासी बन गई, दादी हमारी जुए की वजह से ना सब कुछ हार गए थे,
तो ध्यान रखे जुआ नहीं खेला जाएगा, द्युत क्रीड़ा नहीं होगी, सबने शपथ ली जुआ नहीं खेलेंगे।